बच्चों, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। हो गया तो बेटा, हम करेंसी नोट्स के मुतलक पढ़ रहे थे कि कौन कौन सा करेंसी नोट है जिसके पीछे कौन कौन सी किस किस इलाके की किस किस चीज की तस्वीर है। तो बेटा पढ़िएगा जरा, 10 रुपए के पीछे किसकी तस्वीर फेबर पास के शब्द 20 मंच दाड़ो लड़काना, 50 कराकरम, 100 कायदे आजम रेजिडेंसी जियारत, 500 बादशाही मॉस लाहौर, 1000 इस्लामिक कॉलेज, काइंडली 500 मॉस्क इस्लामाबाद। किसी का माइक ऑन है तो वो ऑफ कर ले ताकि आसानी से पढ़ा जा सके। तो बेटा उसके बाद मैं अमूमन स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि जब आप पेपर देने के लिए जाएं, एक 10 का नोट, एक 20 का नोट, एक 50 का, एक 100 का और एक 500 का ये अपनी जेब में रख लिया करें। 1000 का और 5000 का अगर नहीं मिलता तो उसको वैसे ही याद कर लें कि 1000 के पीछे इस्लामिया कॉलेज पिशावर है और 5000 के पीछे फैसल मॉस्क इस्लामाबाद है। तो इस तरह से जब अगर क्वेश्चन आए तो नोट निकाल के पीछे से देख लें, याद करने की इसको इतनी जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 चीजें याद कर लें। और अगर 1000 5000 भी ले जाएंगे तो फिर कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों, फोर्स इन पाकिस्तान वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बड़ी दफा पूछा जाता है। पास पेपर्स अगर आप देखेंगे तो सम टाइम नहीं बल्कि मैनी टाइम्स रिपीटेड होते हैं कि कौन सा फोर्ट जो है वो कहाँ पे वाकया है और लार्जेस्ट फोर्ट पाकिस्तान का कौन सा है। तो बेटा पढ़िएगा। उंजला बेटा किधर गई है? क्या आप सर मुझे सुन पा रहे हैं? सर मैं पढ़ दूं? हाँ, पढ़े पढ़े मुझे। सर, शाही फोर्ट है लाहौर में, शाबाश। रानी कोट फोर्ट है जो लार्जेस्ट है जामशोरों में, और शाबाश। एरावर फोर्ट है बावलपुर में, जामरूद, सर ये जामरूद है, जामरूद जी, फोर्ट पिशावर में है, रोहतास फोर्ट है दीना शेर शाह सूरी ने जो बनाया था, अटक फोर्ट है अटक में बरने जो बनाया था, बाला हिसार फोर्ट है पिशावर में, और बलतेज फोर्ट है हुंजा वैली में। शाबाश। उसके बाद बेटा आ जाता है श्राइन्स एंड टॉम्ब्स, जो हमारे मजार हैं और जो हमारे मकबरे हैं इनके मुतलक एग्जामिनर पूछ लेता है कि कौन सा मजार या कौन सा मकबरा कहाँ पे वाकया है। तो बेटा पढ़िएगा, कौन सा मजार कौन सा मकबरा कहाँ पे वाकया है, जरा हमें भी पता चले। जी सर, बाबा फरीद गंज शक्कर पाक पतन में है, और ख्वाजा गुलाम फरीद का है मिठन कोट में, बाबा बुल्ले शाह का है कसूर में, हजरत मियाँ मीर का है लाहौर में, और हजरत सुल्तान बाऊ का है शोरकोट में, लाल शहबाज कलंदर सेवन शरीफ सॉरी डिस्ट्रिक्ट जामशोरो सिंध में, और वारिस शाह का है जंडियाला शेर खान शेखुपुरा के जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें, शाह अब्दुल लतीफ बटाई का है बटाई शाह। ये लो मेरा बुक अभी, हाँ ये लो बेटा, ये लो पढ़ो बाबा से, बाबा ब्लैक टी पाओ ये बथेरी काइंडली माइक बंद कर लें अगर किसी का माइक ओपन है। कुछ। हाँ बेटे पढ़ो। शाह अब्दुल लतीफ बटाई का है शाह बिटाई शाह मठेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बीट शाह मटियारी डिस्ट्रिक्ट। मटियारी डिस्ट्रिक्ट, शाह रुकने आलम मुल्तान में है, सैयद अली हजबेरी का है लाहौर में, और हजरत बहाउद्दीन जकरिया का है मुल्तान में, अब्दुल शाह गाजी का है कराची में, अब्दुल अब्दुल्ला शाह गाजी का कराची के अंदर। शाह तो बेटा ये याद रखिएगा, सम टाइम आपसे ये श्राइन्स के बारे में और जो टॉम्स हैं उनके बारे में आपसे पूछ लेता है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, नेशनल सिंबल्स ऑफ पाकिस्तान, ये तो हर बच्चे को ही आता है। आप में से मुझे उम्मीद है कि 95% बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जिनको ये सारे के सारे नेशनल सिंबल्स ऑफ पाकिस्तान का पता होगा। तो बेटा पढ़िएगा, नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया?
सर इलेवेंथ नेशनल अगस्त ऑप्टेड 11 अगस्त 1947 होस्टेड फर्स्ट टाइम बाय द मौलाना ऑप्टेड फर्स्ट शब्बीर अहमद उस्मानी, पाकिस्तान डे 3 मार्च, नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, नेशनल पोएट जो है अल्लामा इकबाल है, नेशनल जूस शुगर कैन गन्ने का जूस, नेशनल एनिमल है मारकोर, नेशनल बर्ड है चुकोर, नेशनल ट्री है देवदार और नेशनल फ्लावर है जैस्मीन, नेशनल ड्रेस है शलवार कमीज, नेशनल मैमल ओके इंडस रिवर डॉल्फिन जो समुंदर के अंदर रहने वाले, नेशनल गेम हॉकी है, नेशनल म्यूजियम कराची में है, नेशनल टावर जो है वो मीनारे पाकिस्तान को कहा जाता है, नेशनल एंथम जो है वो हफीज जलंधरी ने जो कंपोज किया था वो है, हफीज जलंधरी ने और इसे राइट किया था और इसे कंपोज किया था अहमद चगला ने। अहमद छागला ने फर्स्ट टाइम प्लेड ऑन 13th अगस्त 1954 ऑफिशियली। और जी ये अहमद चागला जो है ये इसकी धुन को तैयार करने वाला है, यानी इसकी धुन जी उसने तैयार की जो बजती तो है। उसके बाद बेटा आ जाता है पाकिस्तान में लॉन्गेस्ट कौन कौन सी चीजें हैं, तो पढ़िएगा जरा। कॉस्ट लाइन, ओके सर सर ये क्या है लॉन्गेस्ट क्या क्या चीज़ है बेटा कोस्ट लाइन मतलब के साहिल समंदर का हिस्सा, जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा साहिल है वो कौन सा है? वो बलूचिस्तान का साहिल है और उसकी जो लंबाई है वो 771 किलोमीटर है। ओके फ्रंटियर 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 बॉर्डर जो होता है पाकिस्तान का सबसे लंबा बॉर्डर, सरहद जो है, लाइन जो है किसी दूसरे मुल्क के साथ, तो वो ड्यूरेंट लाइन है जो कि पाकिस्तान और कौन से मुल्क के साथ मिलाती पाकिस्तान को, सर न्यूजीलैंड अफगानिस्तान किसके साथ? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वेरी गुड, शाबाश। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो कौन सा है? लोहड़ी लोहड़ी लोहड़ी। और लोहड़ी पाकिस्तान का जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक यानी कि जो लाइन जिसके ऊपर ट्रेन चलती है, वो कौन से कहाँ से कहाँ तक है सबसे लंबा रेलवे ट्रैक? कराची टू लंडी कोतल कराची टू लंडी कोतल। और पाकिस्तान का सबसे लंबा रोड जो वो कौन सा है? N5 नेशनल हाईवे 1819 किलोमीटर है, जो सबसे बड़ा रिवर का दरिया है आपको ऑलरेडी। जी वो दरिया सिंध है, जो केनाल है वो नारा केनाल है 364 किलोमीटर 226 माइल गुड, बनता है, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो खान मेहतर रैया पेशावर में। तो ये जो नेशनल गुड गुड हाईवे है कि कहाँ गुड। से कहाँ तक है? नेशनल हाईवे ये कंफर्म नहीं है बेटा, लेकिन जो है आप सर्च कर लीजिएगा N5 कहाँ से स्टार्ट होगी कहाँ तक जाती है। पाकिस्तान बाउंड्रीज आगे आ जाती हैं कि बाउंड्रीज पाकिस्तान की जो हदूद हैं दूसरे उनकी लेंथ कितनी कितनी है, तो आई थिंक के वो मुझे कर देनी चाहिए थी लेकिन मैंने की नहीं है। तो इस टॉपिक को अगर आप ना याद करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 2611 के अंदर थोड़ी सी उन्होंने तरमीम की है, LOC के अंदर भी थोड़ी सी तरमीम की है, लेकिन वो मेरे जहन में नहीं रहा, वो मैंने पुराने नोट्स ही आपके साथ शेयर किए हैं, तो इसको देख लीजिएगा एक दफा। लेकिन याद रखिएगा कि सबसे लंबी जो पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन है वो पाक अफगान है और उसका दूसरा नाम ड्यूरेंट लाइन है, तो इस बात को याद रखिएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये पाकिस्तान और कश्मीर की जो है वो लाइन है उसको कहते हैं लाइन ऑफ अच्छा कंट्रोल। और उसके बाद वर्किंग बाउंड्री जिसपे अभी काम हो रहा है, जो ये लगा रहे हैं वो लाइट्स वगैरह, वो वर्किंग बाउंड्री के अंदर आ जाता है। फिर पाकिस्तान ईरान और पाक चाइना और पाक इंडिया ये सारी आ जाती हैं, और उसके बाद कोस्ट लाइन आ जाती है जो साहिल समंदर वाली है। अब आ जाता है मिलिट्री अवार्ड्स ऑफ पाकिस्तान। तो बेटा समटाइम एग्जामिनर आपसे सवाल कुछ इस तरीके से पूछता है कि बताइए निशाने हैदर एक मिलिट्री अवार्ड है या सिविल अवार्ड है, या वो पूछता है सितारे जुरत एक मिलिट्री अवार्ड है या सिविल अवार्ड है, या वो पूछता है याद तमगा इम्तियाज एक मिलिट्री अवार्ड है या सिविल अवार्ड है, या वो इस तरीके से पूछता है कि हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान
कौन सा है, या वो पूछता है हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान कौन सा है। तो बच्चे इसमें अगर आप मिलिट्री अवार्ड्स को अच्छे तरीके से सारे याद कर लें, ये छह हैं, छह के छह आप याद कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाले मिलिट्री अवार्ड हैं। इस इनके बा इनके अलावा जो कोई भी होंगे वो कौन से अवार्ड होंगे? सिविल होंगे। ठीक अवार्ड होंगे। तो बेटा मिलिट्री अवार्ड में जो हाईएस्ट है वो है निशाने हैदर, और सिविल अवार्ड में जो हाईएस्ट है वो निशाने पाकिस्तान है। और पाकिस्तान। मैंने आपके नॉलेज के लिए फिर बाकी सारे भी दे दिए हैं कि निशाने पाकिस्तान, निशान के बाद एक हिलाल आ जाता है, हिलाल के बाद सितारा आ जाता है, सितारे के बाद तमगा आ जाता है। तो ये याद करना हो तो कर लीजिएगा, ना करना हो तो ना कीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि मिलिट्री अवार्ड के नाम ये हैं और सिविल अवार्ड्स के नाम ये हैं, और हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड जो है वो निशाने हैदर है, और हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो है वो निशाने, कौन सा निशान, पाकिस्तान है। शाबाश। सर, ये जो उसके बाद गाजियों बेटा आ को जाते दिया हैं। जाता है, सर ये जो गाजियों को दिया जाता है मिलिट्री अवार्ड, वो तमगा जरूरत होता है। गाजियों को दिया जाने वाला, अब कई तरह के गाजी होते हैं। अब देखें, हलाले जुरत भी है, सितारा जुरत भी है, तमगाए जुरत भी है, इम्तियाजी सनद भी है, और तमगाए दिफा भी है। अब इसमें निशाने हैदर जो है ये ज्यादातर उनको दिया जाता है जो शहीद होते हैं, बाकी इनको देख के, इनकी कारकर्दगी को देख के ही दिया जाता है कि इसने कौन सा ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है। जैसे अभी अभी आपने देखा होगा, सितारा इम्तियाज किसको दिया गया है, उसका क्या नाम है, वैसे याद को, अब उसने कौन सा एग्जाम सना रखा सफीनाज को था? दिया गया सर, सना सफीनाज जी को इस साल सना सफीनाज को, पाकिस्तानी कपड़ों की ब्रांड है, उसको दिया गया। हाँ, तो उसने उससे कौन सा ऐसा पहले कारनामा किया कि पता नहीं उसको सर, जो लास्ट ये है टाइम मैं देते भी थे हैं। आपको मिला था, इस दफा सना सफीनाज को मिला। ये बेटा रिकमेंडेड होते हैं सारे के सारे, जिनको वो रिकमेंड करते हैं उनको वो दे देते हैं, कारकर्दगी कोई भी किसी की नहीं देखता। उसके बाद बच्चे आ जाते हैं फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली काबीना जो थी उसमें कौन कौन बंदा क्या क्या था और किस किस मिनिस्ट्री में काम कर रहा था, तो पढ़िएगा बेटा। ये लियाकत अली खान है जो प्राइम मिनिस्टर है, और फेडरल मिनिस्टर है डिफेंस एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस के, ये ये फाइनेंस इनके मिनिस्टर साथ भी था, प्राइम मिनिस्टर भी था, फाइनेंस मिनिस्टर भी था, और साथ तीन में हो गए डिफेंस एंड सर कॉमनवेल्थ रिलेशंस का मिनिस्टर भी था। जी। और सर दूसरे नंबर पे है इब्राहिम इस्माइल चंद्री गर्ग थे, ये ट्रेड इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन की मिनिस्ट्री थी। मलिक गुलाम बिल्कुल मोहम्मद के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री थी। सरदार अब्दुल रब निश्तर के पास ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की थी, और राजा गजनफर अली खान साहब है उनके पास फूड एग्रीकल्चर और हेल्थ थी, और जोगिंदर नाथ सर मंडल रोने चले गए, ऊपर चला मैं गया। देता हूं। हाँ जी ये सर जोगिंदर नाथ मेडल है, वो लॉ एंड लेबर थी। फजलुर रहमान इंटीरियर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, बड़ा पुराना है ये सर फजलुर रहमान। तो ये जो है ना फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान, ये बस आपने इसमें लियाकत अली खान का याद रख लें, बाकी इतना कोई जरूरी नहीं है याद करना या इनको पढ़ना। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट 1946 के अंदर जिसमें अंग्रेजों सर ने ये कहा कि फजलुर आप, रहमान अभी वाले ही फजलुर रहमान है या कोई और था? नहीं ये कोई और फजलुर रहमान है, अभी वाला और सर नहीं ये है। फर्स्ट कैबिनेट कब बनी थी? ये फर्स्ट कैबिनेट बनी थी 1947 के फौरन बाद जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमने दिया था, जिसे हम कहते हैं उसका क्या नाम था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, क्या हम कहते हैं उसे, ऑब्जेक्टिव सर रेजोल्यूशन करारदादा मुखासिस वो जब पेश की गई थी, इसकी एग्जैक्ट डेट तो मुझे अभी याद, 1949 में थी ना, फोर्टी तो नाइन में उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन तो बना था, वो तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो ये उससे पहले क्योंकि हमने अपने कैबिनेट तो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनी होगी ना। भाई वो उससे पहले पहले हमने सर, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया था स्टार्ट पे हमने हाँ, सर 1935 1935 का वाला हम, जी जी बिल्कुल जी, बिल्कुल या हमने जी बच्चे, इंडिपेंडेंस जी एक्ट लिया था 1947 वाला। बिल्कुल बिल्कुल। अब कोई बच्चा बात कर रहा था, कहाँ गया वो बेटा, बोले जी सर एंटरिम गवर्नमेंट 1946 में जो थी उसमें जो कैबिनेट हेड थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, कांग्रेस मिनिस्टर थे 6 टोटल, एग्रीकल्चर और फूड थी, राजिंद्रा प्रसाद के पास डिफेंस था, वो बलदेव सिंह के पास था,
एजुकेशन तो जो थी वो थी सर श्री राजगोपाल आचारी, अच्छा राजगोपाल आचारी के पास, और होम अफेयर्स इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थी वल्लभ भाई पटेल के पास, लेबर थी सर जगजीवन राम के पास, पक्ष माइंड एंड पावर थी सी एच भाभा के पास, और सर एमएल मिनिस्टर्स सर, ये ऑल एमएल इंडिया किस चीज के मुस्लिम लिए? लीग पे जो है, हाँ ऑल ऑल इंडिया इंडिया मुस्लिम मुस्लिम लीग, लीग मिनिस्ट्रीज, ऑल इंडिया मुस्लिम ठीक लीग। हो गया सर। कॉमर्स थी इब्राहिम इस्माइल चंदलीकर के पास सर, और जो फाइनेंस था वो था लियाकत अली खान साहब के पास, हेल्थ थी गजनफर अली खान, लॉ था जो जोगेंद्र नाथ मंडल, और रेलवे एंड कम्युनिकेशन पोस्ट एंड एयर अब्दुल रब निश्ता साहब के पास था तो बेटा ये जी सर। था पाकिस्तान के हवाले से एक मुख्तसर सा ओवरव्यू। और अगर आपने पेपर लिए हुए हैं पीपीएससी के, या अगर आपने पीपीएससी के पेपर देने हैं, पास पेपर्स को सर्च कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर जो है वो इन सवालों में से मोस्टली क्वेश्चंस आपसे पूछता है। और अगर आप ऐसी इस पूरे लेक्चर को अच्छे तरीके से तैयार कर लें, सिर्फ 2 घंटे अपनी जिंदगी के इसको दे दें, इंशाल्लाह पीपीएससी के हर एग्जाम के अंदर आपके 5 से 7 नंबर जो हैं वो कंफर्म हो जाएंगे। इतने को नंबर का आपने आज काम किया है। और इन जी सवालों सर, को याद करने का तरीका है कि हर पहलू से, हर एंगल से आपने इन सवालों को तैयार करना है। तैयार करने के बाद आपने इनको जो है वो टेस्ट आपका शेयर कर दिया जाएगा, वो टेस्ट देना है। टेस्ट दे के अपनी एबिलिटी चेक कर लीजिएगा कि आप कितने काबिल हैं और आपकी कितनी तैयारी हुई है। तो कल वाले जो हमने पढ़े थे, कल वाला जो वर्क था, उसका टेस्ट किस किसने तैयार किया है? उसके सर नोट्स वो आपको आए मिले लेट है हैं? तो